नमस्कार, महोबा न्यूज बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। आज जल संकट की समस्या को लेकर हमने एक मुहिम चलाई थी और एक आज सुबह ही एक खबर चलाई थी कि नगर में किस तरीके से कुछ वार्ड मोहल्लों में क्या समस्याएं हो रही थी पानी को लेकर, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें नगर पंचायत के सारे अधिकारी, सारे ईओस और नगर पालिका जल संस्थान जल निगम के सारे आला अधिकारी वहां मौजूद थे। इस बैठक का निष्कर्ष ये निकला कि एक समिति का गठन किया गया, जिस जो कि एडीएम महोबा की देखरेख में काम किया जाएगा और रोजाना सुबह 9 बजे समीक्षा की जाएगी कि आज शहर के किस वार्ड और किस किन मोहल्लों में आज पानी की समस्या रही है, और वो जो टीम होगी वो टीम अगले 24 घंटे में समस्या से निवारण करवाएगी। आखिर किस तरीके से जिलाधिकारी ने एक मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है, किस तरीके से वो टीम काम करेगी और कैसे 24 घंटे में सारी समस्याओं का निवारण होगा, देखिए क्या कहा महोबा जिलाधिकारी। पानी में दिक्कत आ रही थी, आज आपने बैठक बुलाई, क्या निर्णय लिया? देखिए, इसमें एक नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए एक समिति यहाँ पे गठित कर दी गई है, जिसमें हमारे जल निगम, जल संस्थान, जो मैकेनिकल विंग होता है, जो विद्युत विभाग है, उसके साथ में जो ईओज हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे जो एडीएम साहब इसके प्रभारी हैं, आप सब लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे इस चीज़ की समीक्षा करेंगे कि कहाँ कहाँ पे पूरे शहर में पानी की दिक्कत हो रही है और किन कारणों से हो रही है, और उसको उसी दिन रिजॉल्व करा के वहाँ पर सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था हो जाए, ये सुनिश्चित कराएंगे। आगे से कभी भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी कि एक दिन से ज़्यादा कहीं पे पानी बाधित हो, वो बारिश के कारण लाइन कट जाए, टूट जाए, कुछ भी ट्रांसफार्मर जल जाए, जो कुछ भी समस्याएं आती हैं डे टू डे बेसिस पे, उन सभी समस्याओं का 24 घंटे के अंदर निराकरण करा के पानी की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से हर मोहल्ले में मिले, इसके लिए जो है एक मैकेनिज़्म तैयार कर दिया गया है। इसके लिए जो फंड्स की दिक्कत थी या आने जो कुछ भी टेक्निकल इशूज़ थे, वो सब भी रिजॉल्व करा दिए गए हैं ताकि इस तरह की समस्या रिपीट ना हो।